नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स एंड रिपेयर में आपका स्वागत है। हमें कमेंट थी, जैसा एसीडीसी यूएसबी होता है इसका वायरिंग का वीडियो बनाइए। हम इसे वायरिंग की वीडियो के लिए ओपन करते हैं और कुछ इसमें प्रॉब्लम भी है, बंद है। जैसे इसकी प्लग में पिन डालते हैं तो ये ऑन नहीं होता, तो अभी हम इसे चेक करते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें, तो सबसे पहले इसे हम इसकी एसी पॉड चेक करते हैं। इस एसी कॉर्ड को आपका जो मल्टीमीटर होगा तो इसे हम 2000 ओम्स पे हमने सेट कर लिया, और सबसे पहले हम इसे एलिमीटर चेक करेंगे। इस स्विच पे देखा है दोस्तों, स्विच भी ऑन ऑफ करके देख लिया, कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी कॉर्ड चेक करते हैं। तो ये कॉर्ड ब्लैक और रेड कलर की है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। इसको कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे, ब्लैक वाला सिरा चालू, रेड वाला भी सिरा चालू। अभी इसका हम ट्रांसफार्मर चेक करेंगे, तो ये ट्रांसफार्मर इसका बंद बता रहा है, तो हम इसका भी ट्रांसफार्मर रिप्लेस करवाएंगे। उसके बाद इसकी वायरिंग का कनेक्शन किस प्रकार होता है उसका बताएंगे। तो इस प्रकार हमने इसका ट्रांसफार्मर ओपन कर लिया। ये जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के दो टर्मिनल होते हैं दोस्तों, ये 0-12 होती है। ये जो ब्रिजवे रेक्टिफायर लगा होता है 4 डायोड का, इस ब्रिजवे रेक्टिफायर पे दिया होता है 0-12। और वे ब्रिजवे रेक्टिफायर, ये जो लाल वाला प्लस वाला, ये जो ब्लू वाला ये माइनस वाला, तो इससे 0-12 से ये प्लस माइनस होता है 12 वोल्ट। और कुछ यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है जिसे हम 2200 या 25 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, तो ये 12 वोल्ट के लिए। और ये जो 7805 दिया होता है, 7805 से दोस्तों पैनल जो होता है ये इस पैनल के लिए 5 वोल्ट बनाता है। तो जैसे ये 5 वोल्ट की दो कॉर्ड आ गई है, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये 5 वोल्ट है, ये माइनस, और ये 12 वोल्ट है ये वाला हिस्सा 7805 का 12 वोल्ट सेंटर वाला माइनस, और इसमें तीसरे पॉइंट पे इसका 5 वोल्ट आता है। उसके बाद ये जो तीन तार आपको दिख रहे हैं जिसे रेड कलर, ब्लू कलर, तो ये बैटरी के सप्लाई के लिए होती है, ये रेड कलर, ये ब्लू कलर, इसे 12 वोल्ट बैटरी से ऑपरेट भी कर सकते हैं। इससे तो हम नया ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं। इसमें जो लाल वाली ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। अब इसे मीटर से चेक करने का भी आइडिया बताते हैं। इसे 2000 ओम्स सेटिंग कर देना। उसके बाद ये जो प्राइमरी है इसकी रीडिंग बताता है 545। के बाद में सेकेंडरी वाइंडिंग है ग्राउंड्स, इसका रीडिंग कम होता है दोस्तों, मतलब 12-13 ओम्स तक होता है। और इसका रीडिंग जो एसी टर्मिनल है उसकी ज्यादा होती है, 515 ओम्स। FM mode. AUX mode. Bluetooth mode. तो दोस्तों अभी इसे हम पैकिंग करवा लेते हैं। तो दोस्तों इस सर्किट बोर्ड में लगभग 6 और 2 8 और 10 वायर होती है। 10 वायर में से ये जो है 5 वोल्ट की जो पैनल के लिए लगती है। उसके बाद में ये दो सेकेंडरी 0-12 के लिए होती है। उसके बाद ये जो प्लस माइनस होती है इस बैटरी के लिए होती है, जिसे बाहर से हम इसे 12 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ये ग्राउंड इसके पैनल की सेंटर वाली,
और ये दोनों जो है लेफ्ट एंड राइट साउंड के लिए होती है। उसके बाद ये जो दो आयर है, दो तारे, इसमें से ये जो पीली वाली है ये बीच में लगाई होती है, ये ऑडियो के लिए होती है। और ये जो ब्लू कलर की है ये अर्थ होती है, ग्राउंड। और इसमें ये जो वीसी में तीसरा वॉल्यूम कंट्रोल में तीसरा जो लगा हुआ है येलो कलर का, ये टोन कंट्रोल को दिया होता है। तो इस प्रकार इसकी वायरिंग है। हमारा यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।